हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो फिर यूपीएससी हो या फिर गवर्नमेंट सर्विस की, मतलब कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपको लगता है मुझे एक चार्ट बाय करना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने अमेजोन से मंगाया था ये चार्ट अपने प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तो अपने लिए मैंने मंगाया था। तो अगर आपको भी परचेस करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, बट उससे पहले आप मैप देख लो, ठीक है। मतलब कम्फर्टेबल हो या नहीं हो सकता है कि किसी को कंफर्टेबल नहीं होता है मैप, ठीक है। उसकी डिज़ाइन, उसके मतलब जो वर्ड रहते हैं कीवर्ड, वो उस पर डिपेंड रहता है। तो मैं अपने हिसाब से मैंने कंफर्टेबल मैंने रखा है, ठीक है। हाँ, मेरे को 7 मैप मिले, ठीक है। तो एक इंडिया का है और एक वर्ल्ड का है, ठीक है। फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसको ओपन करके मैं बताऊँगा, मतलब आपको कीवर्ड और वर्ड में कोई मिस्टेक ना हो, इससे मतलब आप कंफर्टेबल रह सके। हाँ, तो मैं आपको पहला चार्ट दिखा देता हूँ, ज्योग्राफिकल, ठीक है। ये ज्योग्राफिकल चार्ट है, बेसिक जानकारी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। आप चिपका सकते हो या नहीं चिपका सकते हो, बेसिकली आपको मैप इंडिया का और वर्ल्ड का चाहिए, ठीक है। वही आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप चिपका सकते हो यहाँ पे, और कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, इसका भी आपको चार्ट मिल जाता है, ठीक है। तो आप ये भी लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, ठीक है। बट आप उसका पूरा फुल आप देखो, यहाँ पे लैमिनेशन नहीं की गई है, ठीक है, लैमिनेशन नहीं है। तो ऐसे मतलब पेपर टाइप है, ठीक है। तो गाइस, आपको मैप आप देख सकते हो, आपके कॉर्नर वगैरह है, हिस्ट्री का मैप है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, तो आप देख लेना, ठीक है। और ये इंडिया का मैप है, ठीक है, पॉलिटिकल है, ठीक है, पॉलिटिकल मैप है और फिजिकल भी रहता है, ठीक है। जैसे कि ये फिजिकल है, ठीक है, इंडिया का मैप है वो फिजिकल है, ठीक है। दो मैप रहते हैं, आपको मतलब पॉलिटिकल की भी आपको पॉलिटिकल की ज़रूरत रहेंगी, ठीक है, बट फिजिकल की नहीं। तो वर्ल्ड में भी ऐसा रहता है कि फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको पॉलिटिकल की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने दो चार्ट मैंने चिपकाया, ठीक है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वही चिपकाया, मतलब जो मैं जहाँ पर पढ़ाई करता था वहाँ पर मेरे को ज़्यादा पेस नहीं था, मेरे को दो ही चार्ट लगाया मैं। और ये मैप आपको काउंट करके भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 A4 A5 A6 और ये वाला 7, ठीक है। तो 7 मैप रहते हैं, ठीक है। मैंने परचेस किया तो मेरा 7 मैप मतलब ऑलरेडी वो वहाँ पे लिखा था, मेंशन दिया था 7 मैप है करके, ठीक है। और इसके जो भी कीवर्ड है, ठीक है, वो इंग्लिश में मंगाया मैंने, ठीक है। इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, कोई भी चार्ट हिंदी में नहीं है, आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो चार्ट मैंने मंगाया पूरा इंग्लिश में है, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, आप कीवर्ड देख सकते हो आप ये देखो, मतलब आपको जूम करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे पटना वगैरह हो गया, उसकी स्पेलिंग वगैरह क्या है, ज़्यादा मतलब कचरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल से होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी होता है मतलब मैप थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सके, ठीक है, याद आ सके। तो मैंने जहाँ से मैप परचेस किया है अमेजोन से, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको चार्ट मैप के मैंने नेम नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ, एक ज्योग्राफी का मिल जाएगा, हिस्ट्री का मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मिल जाएगा, ठीक है, और इंडिया का 2 मिल जाएंगे और वर्ल्ड के 2 मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे मिला के मतलब 7 मैप आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, तब तक के लिए टेक केयर।